हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आज इस मॉर्निंग न्यूज में, जैसा आप जानते हैं कि मॉर्निंग न्यूज आपको कई दिन के बाद मिल रही है, तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो साथियों, एक तो आयु सीमा को लेकर कुछ बदलाव अभी कुछ जगह हुए हैं और इससे यह भी लग रहा है कि डीएसएसबी के अंदर भी आयु सीमा में बदलाव हो सकता है। इसके बाद कुछ और भी अपडेट है आप लोगों के लिए, कुछ न्यू वैकेंसीज और आने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया था, टीचिंग नॉन टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे पहले मैं दोबारा से आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, तो प्लीज आप सभी इसका एक आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि जो अमेरिका है उसकी खोज किसने करी थी, अमेरिका की खोज किसने करी थी, तो आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद जो अभी हम बात करते हैं एमपी के अंदर, साथियों अभी क्या हुआ है आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एमपी के अंदर साथियों अभी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो हमारा पीएससी होता है, मतलब लोक सेवा आयोग, उसमें किया गया है कि 35 वर्ष तक की आयु कर दी गई है। पहले ये आयु कम होती थी लेकिन ये 35 तक की आयु इसमें कर दी गई है। और ये कौन सी है, जनरल कैटेगरी के लिए, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको इसमें छूट दी जाएगी। तो ये साथियों बात हो रही है एमपी की, मध्य प्रदेश की। और इसके बाद एक अच्छी बात यह भी है कि जो बाहर स्टेट के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट्स के कोई कैंडिडेट्स हैं, तो उन कैंडिडेट्स को भी इसमें बहुत सारी छूट दी जाएगी। मतलब ये सेम टू सेम एज उनके लिए रखी गई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 35 साल की आयु कर दी गई है। तो साथियों एक बहुत अच्छी खबर है। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आयु सीमा है, कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इसके बाद जो वहां की गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि आयु सीमा में बदलाव करना चाहिए। तो साथियों अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर नहीं हो सकती है। अब बात देखने वाली यह है कि आप लोग कितना इस पे वर्क करते हैं, आप लोग मीटिंग करें, आप लोग कोई स्टेप लें, आप लोग केस भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जेन्युइनली हम चाहते हैं कि एज में बदलाव हो, तो आप लोग केस करें। और जैसा पहले बात हुई थी तो आप एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से भी जुलाई में उन्होंने बात करने के लिए बोला है। और साथियों कोई भी चीज ना एक दिन में नहीं होती, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे, आप मिले, मीटिंग करें जगह जगह। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा आपके लिए कुछ करेगा, आप अपने लेवल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बाद साथियों कुछ और अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर 4500 क्लर्क की वैकेंसीज प्लस 8000 ग्रुप डी की वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है। जो भी साथी रह गए हैं, देखो अब बात मैं बताना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं अब उनके पास बहाना नहीं रहेगा कि हमें जॉब नहीं मिली। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो ऐसा नहीं कि करप्शन के साथ जॉब मिलेगी आपको, बहुत फेयरली मिलेगी, टेस्ट बेस पे आपको जॉब मिलेगी। इससे अच्छा मौका कभी आ नहीं सकता। तो 4500 क्लर्क की 8000 ग्रुप डी की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैकेंसीज मतलब पिटारा खुल चुका है, टीचिंग वैकेंसीज, सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत करें, एलिजिबिलिटी के आधार पर आप जॉब लें। और मतलब बताना चाहता हूं कि 2019 आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप समझ नहीं सकते। 2019 के अंदर मैं बता रहा हूं, आपने पूरी लाइफ में इतनी जॉब नहीं देखी होंगी और हो सकता है कभी इतनी आपको जॉब देखने को ना मिले जितनी 2019 के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। अगर फिर भी आप रह जाते हैं तो फिर देखो कुछ नहीं किया जा सकता, तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आए और 10 दिन आपके पास रहें और फिर आप रह जाएं। तो बस यही कहना चाहूंगा। और जो क्वेश्चन दिया आज के लिए उसे भी आप जरूर बताएं। हालांकि मॉर्निंग न्यूज काफी दिन के बाद आपको देखने को मिल रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आगे कोशिश रहेगी कि आपको मॉर्निंग न्यूज बार बार मिले। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।